ये तस्वीरें हम आपको सतवारी मंडी से दिखा रहे हैं, जहां पर भयंकर भीषण आग लगने से मंडी की सारी रेड़ियां, जितना फल फ्रूट यहां पर था, सब का सब तबाह हो गया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर आग लगी हुई है। और आग, वैसे तो हम आपको जानकारी दें, आग रात को 1-1.30 बजे के करीब आग लगी थी। उसके बाद यहां पर दमकल विभाग की गाड़ियां आई, उन्होंने आकर आग बुझाई। लेकिन अभी ये जो आग लगी हुई है, ये शायद यहां पर इन्होंने खुद ही लगाई है। लेकिन आप ये तस्वीरें देखकर दंग रह जाएंगे और लाखों करोड़ों का नुकसान जो है लोगों का हुआ है, करोड़ों का नहीं लेकिन लाखों का नुकसान हुआ है इस समय। वैसे भी अगर आपको मालूम ही है कि इस समय नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में फल फ्रूट की व्यवस्था जो है वो प्रॉपर यहाँ पर की गई थी। और ये आग किस तरह से लगी, ये यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि ये आग किस तरह से लगी। लेकिन आग में काफ़ी नुकसान जो है वो लोगों का हुआ है। और ये दुकानें देखें सामने, ये दुकानें आप देख पा रहे होंगे, ये दुकानें भी जो हैं वो यहाँ पर जल गई हैं। और कितना ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ। अगर समय पर दमकल विभाग की गाड़ियाँ ना आती तो शायद ये बाकी जो दुकानें हैं इस तरफ उनको भी चपेट में लेती। और रात को 1-2 बजे के करीब, अब किसने आग को देखा कि कौन लोग थे जिन्होंने समय पर रहते दमकल विभाग के लोगों को बुलाया, फायर ब्रिगेड के लोगों को बुलाया, वो जानना ज़रूरी है। और अगर वो समय पर इंफॉर्म नहीं करते तो शायद आज यहाँ पर कितनी तबाही होती आप सोच सकते हैं। लेकिन अच्छा, ये आप ही के यहाँ पर ये सारा नुकसान आपका ही हुआ है? हाँ जी। कब, कितने बजे आग लगी? सर कोई 1:30-2 बजे के बीच में, रात को। रात को तो ये किसने देखा? सर देखा नहीं है, सिर्फ शॉर्ट सर्किट हुई है। सामने वो लगे हुए हैं फौजी साहब, उन्होंने देखा है। अच्छा, वो सामने देखे हैं। सामने उन्होंने फ़ोन किया था SHO साहब को, इनको। अच्छा। और फिर ये पुलिस वाले आए सारे, उन्होंने फिर ये किया सारा। आपका कोई व्यक्ति नहीं था, आपको सुबह पता लगा? हाँ सर, हम तो उसी वक्त, फिर हमें भी फ़ोन किया ना। अच्छा। फिर हमारे सारे आदमी यहाँ पे आ गए, फिर उन्होंने देखा, मौके के सभी आए। खत्म हो गई थी ये शॉर्ट सर्किट यहाँ, इससे मेन तार है ना, ये टूटी थी। टूट गई थी? हाँ, ये टूट के नीचे गिरी थी, उससे शॉर्ट सर्किट से काम सारा चला। तो ये रेडियां वगैरह यहीं पे होती हैं सर? ये 10 मिनट के अंदर अंदर सारा ही राख हो गया। ये 10 मिनट में सूखा हुआ था सारा का। हवा तेज थी सर, उससे हुआ। तो कितना नुकसान लगभग यहाँ पर लोगों का? सर ये 8-10 लाख का। और ये सब्जी मंडी और फ्रूट्स भी यहाँ पर? जी जी जी, सब्जी भी यहाँ पे होती है, फ्रूट भी यहाँ पे होता है, सारे यहाँ पे होते हैं। पूरी 3 दुकानें फ्रूट की। अच्छा, वो आगे 3 दुकानें वहाँ पे? हाँ, तीनों राख हो चुकी हैं सर। जी सर। तो अभी कोई सरकारी विभाग का कोई कर्मचारी या कोई एडमिशन? SDM वगैरह भी आए थे, तहसीलदार वगैरह सारे आए थे। वो कह रहे हैं जितना हो सकता है हम वो मदद करेंगे अभी। अच्छा, वो मदद करेंगे? हाँ जी, मदद के लिए उन्होंने बोल दिया है कि चलो करेंगे कुछ ना कुछ, तो इनका करेंगे। तो ये देखें आप कितना ज़्यादा नुकसान जो यहाँ पर हुआ है। ये सब्जी मंडी है, यहाँ फ्रूट्स भी थे, हर चीज़ रखी थी। लेकिन तारीफ करनी होगी हमारे सेना के विभाग के लोगों की, जिन्होंने समय रहते, क्योंकि उनकी ड्यूटी है। शायद सामने अगर आपको तस्वीरें दिखा पाएंगे तो सामने उनकी ड्यूटी है, और वहां से उन्होंने देखा कि यहां पर अचानक आग कैसे लग गई। और फिर उन्होंने इन लोगों को भी, मंडी के जो मंडी में काम करते हैं, जिनकी रेड़ियाँ फड़ियाँ यहाँ पर होती हैं, उनको भी, जिनकी दुकानें हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया, फ़ोन कॉल करके दमकल विभाग को बुलाया, SHO को इन्फॉर्म किया, और फिर आग बुझाई गई। लेकिन कितना ज़्यादा नुकसान आप देखेंगे तो इसमें ये अंगूर भी यहाँ पर दिख रहे होंगे, संतरे, आम, ना जाने क्या क्या। आप सोचें कि कितनी भयंकर आग होगी कि ये सब झुलस गए। ये तो सूखे नहीं थे लेकिन ये झुलस गए हैं आग की वजह से। कितना ज़्यादा नुकसान जो है, जो एस्टिमेट बताया जा रहा है 10-12 लाख रुपये बताया जा रहा है। और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी, खंभे के ऊपर से तार टूट गई, और जब तार टूटी, वायर टूटी, तो उसके बाद नीचे आग लग गई। और 10 मिनट के अंदर सारी की सारी जो यहाँ पर रेड़ियाँ फड़ियाँ थी, सारी की सारी जल गई। बहुत ज़्यादा नुकसान
और सुबह से ही हमारे मीडिया कर्मी भी जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, कवरेज कर रहे हैं और इन लोगों की आवाज़ जो है प्रशासन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन को भी चाहिए कि वो कुछ ना कुछ इन लोगों के लिए करें ताकि किसी तरह की इनको जो नुकसान हुआ उनकी भरपाई हो सके, किस तरह अपना ये परिवार चला पाएँ। अच्छा पाजी, कोई आया था विभाग का बंदा? कोई बात नहीं जी, तहसील रात को पुलिस थी यहाँ पे, अच्छा फायर ब्रिगेड था यहाँ पे, उन्होंने काफ़ी मदद की है लोगों की, नहीं तो ये इलाका बिल्कुल जल के राख हो जाना था। कि उन्होंने बहुत मदद की रात को 2:30 बजे हम लोग भी पहुँच गए, ये एयरफोर्स के थ्रू हमें पता चला कि आर्थिक सहायता भी करेंगे। आर्थिक सहायता के लिए हम गवर्नमेंट को अपील करना चाहते हैं, आपके माध्यम से अपील करना, मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहते हैं इन लोगों को, क्योंकि बैंक इस वक्त कोविड का टाइम है, हर आदमी परेशान है, सरकार इनकी मदद करे। लगभग कितना नुकसान? कम से कम 10 लाख का नुकसान हो चुका, 8 से 10 लाख का नुकसान हो चुका। हर रेडी वाला 25-30 हज़ार से कम तो चलती नहीं है, ना रेडी आती है ना उसका सामान आता है। अच्छा आप क्या कहना चाहते हो? निर्मला दीपक जी, आपका चैनल का जो लोगों की जो समस्याओं को लेकर हमेशा स्टेट समाचार हम देखते हैं कि लोगों की समस्याओं को रिपोर्ट करता है, अभी यहाँ पर सतवारी के इलाके में लगभग 25 रेडियां जो हैं वो जलकर ध्वस्त हो गई हैं रात के दो बजे, और चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब यहाँ पर स्वयं उपस्थित रहे इस पूरे घटनाक्रम में। हम भी सुबह में, अभी दो मार्केट के प्रधान हमारे साथ आए हैं, नवीन गुप्ता जी हैं, भट्टी जी हैं, नेबस्ती मार्केट एसोसिएशन और डिगाना मार्केट एसोसिएशन के प्रधान जो हैं, और हम लोगों ने यहाँ से आके जो यहाँ के मेहरा साहब हैं, यहाँ की फ्रूट मंडी एसोसिएशन के प्रधान हैं, उनसे बातचीत की है, और उनका ये कहना है लगभग 25,000 का नुकसान एक रेडी का है। हम आपके चैनल के माध्यम से पहले प्रशासन से अपील करते हैं कि वो इस चीज़ को आकर देखे और इनको एक्स ग्राटिया रिलीफ जो है वो तुरंत तत्काल प्रभाव से दिया जाए, क्योंकि कोविड का समय है, फाइनेंशियल क्रंच ऑलरेडी चल रहा है, तो इन लोगों को गरीबों के वो मारनी पड़नी चाहिए। दूसरा, हम लोग आपके चैनल के माध्यम से एक सामाजिक तौर पर जो मार्केट एसोसिएशन हैं अलग अलग, नई बस्ती मार्केट एसोसिएशन है, संजय नगर मार्केट एसोसिएशन है, आपकी सतवारी मार्केट एसोसिएशन है, गांधीनगर मार्केट एसोसिएशन है, नानगर मार्केट एसोसिएशन है, सबसे एक लफ्ज में अपील करते हैं कि अगर हम एक मार्केट एक रेडी को अडॉप्ट करेंगे तो मुझे लगता है बहुत आसानी से जो है हम लोग बिना प्रशासन की फाइलें घुमाकर हम लोग इनका जो है वो सहयोग कर पाएंगे, और वापस एक बार जो हमारे भाई हैं जो लोगों को रोजगार देते हैं लगभग 400 लोगों को, उनकी रेडियां चल पड़ेंगी, और हमारा समाज जो किसी भी इस प्रकार की परेशानी में एक साथ खड़ा होकर देखेगा तो प्रशासन भी उस चीज़ से जरूर सीख लेगा। लेकिन एक बात हमें समझ नहीं आई, जैसे शॉर्ट सर्किट कह रहे हैं तो इसमें बिजली विभाग का कोई? बिल्कुल, पीडीडी विभाग को पूरी तरह से हमने पहले भी कहा इस आप किसी अन्य चैनल पे कि पीडीडी विभाग को पूर्णतः इस पूरे घटनाक्रम की एक निष्पक्ष जांच के लिए आदेश करना चाहिए, और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि उनकी लापरवाही के कारण, उनके पक्के इंतजाम नहीं थे जिस कारण से हमारे भाइयों को यहाँ पर जो है नुकसान सहना पड़ा। आपको भी लग रहा है ये बिजली विभाग? बिजली की वजह से हुआ जी, क्योंकि सामने हमारे एयरफोर्स के सामने जहाँ ये घटनाक्रम हुआ है उसके सामने एक एयरफोर्स का सिक्योरिटी कैंप लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, आपके कैमरा में बता सकते हैं कि वो सामने एक वो कैमरा वो लगा हुआ है, स्टैचू लगा हुआ बढ़ाया हुआ है उन्होंने, तो उन लोगों ने इन लोगों को बोला, पुलिस को बोला कि यहाँ पे आग लग रही है, तो एक पुलिस वाला था सतवारी चौक के अंदर, उसने 100 नंबर पर डायल घुमाया और प्रशासन से पुलिस भी आ गई, सतवारी चौक के DSP साहब, SHO साहब सभी यहाँ पहुँच गए और उन्होंने फायर ब्रिगेड को बुलाया, हम लोग तो घर में थे, हमें तो पता नहीं चला, पुलिस की बहुत मेहरबानी है जिसकी वजह से ये इलाका बच गया, नहीं तो ये इलाका बहुत बुरी हाल से, यहाँ गाड़ियाँ लोगों की लगी थी, सबसे पहले ही उन्होंने आगे फायर ब्रिगेड को बुलाया, 2-4-10 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड पहुँचा, और सबसे पहला ये कि इधर हवा इतनी चल रही थी, पता नहीं कुदरत का क्या दृश्य है कि इतनी हवा चल रही थी, तो 10 मिनट के अंदर ये पूरा घटनाक्रम हो गया और हर चीज़ यहाँ खत्म हो गई, ये तो बहुत मुश्किल था। बिजली विभाग की भी बहुत बड़ी गलती जो है वो यहाँ पर है, ये वायर्स देखें आप यहाँ पर कैसे जोड़ डाले गए हैं, थोड़ा पास जाकर अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये कैसे जोड़ वगैरह डाल डाल कर ये वायरें जो हैं यहाँ पर लगाई हैं, या नई वायरें लगाई होती तो शायद ऐसा ना होता, क्योंकि हवा जैसे ही हवा ने तेज़ी पकड़ी तो वैसे ही ये सारा का शायद वायर टूट गई और नीचे गिरने से आग लग गई। ये इस तरफ ये वायर्स दिखाओ, हाँ ये वायर्स देखें, ये देखें कितने जोड़ जो हैं इनमें डाले गए हैं, ये जोड़ छोटे छोटे जोड़ जो हैं इनको डाल डाल के यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये छोटे छोटे जो जोड़ डाले हैं इसी से वायरें जोड़ जोड़ के ये चला रहे हैं, तो हवा चलने से टूटेंगे ही, तो इसमें बिजली विभाग का भी दायित्व है जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए इन लोगों को आर्थिक मदद करें, और प्रशासनिक लोग भी जो हैं वो भी इनको आर्थिक मदद करें ताकि इनका जो रोज़गार इनसे छिन गया, किस तरह से ये वापस अपनी रेड़ियाँ फड़ियाँ लगाएंगे, किस तरह से ये लोग
किस तरह से अब ये वापस से उठ पाएंगे उसको हमें लगता है उठाने के लिए इन लोगों को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। सामाजिक संगठन हो या फिर एसोसिएशंस हो या फिर प्रशासन, सभी को इनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन बिजली विभाग के लिए हम ये कह रहे हैं वो एक तो जांच करे, दूसरा वही भरपाई करवाए इन लोगों की, ताकि उन्हें पता हो कि उनकी गलती है। इन वायरों पर ध्यान दिया गया होता तो आज ऐसा ना होता। और भी बहुत सारी जगहों पर ये वायरें होंगी तो ये हमें लगता है कि वो समय रहते इनको ठीक कर लें, नई वायरें लगा लें, ताकि इस तरह की परेशानियां जाएँ, किसी और को नुकसान ना हो। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक क्षेत्र समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।